पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने पौड़ी के सतपुली बाजार पहुंचकर जनसंवाद किया। इस दौरान उन्होंने कई लोगों को कांग्रेस की सदस्यता भी दिलाई। वहीं अपने इस दौरे को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने कहा कि जनता इस बार अपना मन बना चुकी है कि कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाना है। पौड़ी से मुकेश बछैती की रिपोर्ट। इंडिया अलायंस के तहत गढ़वाल लोकसभा के प्रत्याशी भाई गणेश गोदियाल जी के समर्थन में आज मैं यहाँ सतपुली में आयोजित जनसभा में सम्मिलित हुआ। और पूरे देश में इंडिया अलायंस मिलके चुनाव लड़ रही है। ये लोकसभा का चुनाव बड़ा ही निर्णायक है। इसमें जनता का मूड पूरी तरह से बना हुआ है। 10 साल की मोदी सरकार की जो भी जन विरोधी नीतियां रही हैं उनको खत्म करने का, तो ये माहौल खासतौर पर गढ़वाल लोकसभा में दिख रहा है। एक तरफ भाजपा के कैंडिडेट हैं अनिल बलूनी जी, जो 6 साल राज्यसभा में रहे, लेकिन उन्होंने एक बार भी अंकिता भंडारी जैसे मुद्दे को संसद में नहीं उठाया। तो मुझे लगता है कि गणेश गोदियाल एक सुयोग्य प्रत्याशी, जमीन से जुड़े हुए हैं। एक पहाड़ों को रहवासी से और एक दिल्ली रहने वालों से, तो इन दोनों के बीच की जंग में पहाड़ का रहवासी मुझे लगता है जनता का दिल जीत रहा है। और पूरा आम आदमी पार्टी पौड़ी जनपद और खासतौर पर चौबट्टा खाल विधानसभा गोदियाल जी के समर्थन में है, और हम पूरी तरह से इस बार उनको विजय दिलाएंगे। मैं अभिभूत हूँ कि इस प्रकार का अपार जन समर्थन शायद ही यहाँ किसी व्यक्ति को मिला होगा। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ एक व्यक्ति न होकर हमारे तमाम लोगों का भाई हूँ, तमाम बुजुर्गों का बेटा हूँ और लोगों की भविष्य की आशा हूँ। लोग भविष्य की इस आशा को इस रूप में रोपित करना चाहते हैं कि उनकी भविष्य की आशा फूले, और मैं लोगों से प्रार्थना कर रहा हूँ कि जब सुबह उठकर वो अपने तमाम आराध्य देवों की आराधना करते हैं तो गणेश गोदियाल के लिए भी वरदान मांगे कि गणेश गोदियाल उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतर सके। हे परमेश्वर, गणेश गोदियाल को इतनी शक्ति दे।